नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक गदरिया, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर। आज हम बात करेंगे नेपियर घास के बारे में कि इसको जो लगाने का समय कौन सा है, कैसे लगाते हैं, कैसे इसकी देखरेख करते हैं, तो इसके ऊपर आज हम सभी बातें करेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चारे के बारे में जिसको एक बार लगाने के बाद आप लगभग 6 से 7 साल तक लगातार बिना बोए उसे चारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा चारा जो है दोस्तों, उसका नाम है नेपियर ग्रास, या जिसे इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटियां आती है, जैसे कि सुपर नेपियर ग्रास भी है, स्मार्ट नेपियर ग्रास भी है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट नेपियर ग्रास के बारे में। तो दोस्तों, ये जो एक होता है ये बहुवर्षीय जो चारा होता है, और इसका जो यूज है आप जो कि अपने हैं फिश फार्म पर भी कर सकते हैं, डक फार्म पर भी कर सकते हैं, गोट फार्म यानी बकरी पालन के अंदर भी इसका यूज है, वो बहुत अच्छा साबित हुआ है। बाकी आप गाय के छोटे बछड़े है, बछड़ा है, भैंस का छोटा जो बच्चा है, उसको भी आप इसका जो चारा है वो दे सकते हैं। और दोस्तों, अब हम इसके अंदर जो चारे के अंदर जो प्रोटीन की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर जो है 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, और इस चारे के जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो लगभग 80% तक होती है। यानी एक बहुत अच्छा चारा है और ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, यानी लगभग 50 दिन के अंदर जो इसकी हाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं कम से कम 5 से 6 फीट से ऊपर चली जाती है, यानी बहुत जल्दी ही ये जो ग्रोथ है करता है। अब हम बात करते हैं इसके लगाने की विधि। तो दोस्तों, जो ये जो चारा है आप इसे गर्मी सर्दी कभी भी लगा सकते हैं, और इसके जो लगाने का जो विधि है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, 3x3 फीट की दूरी के ऊपर मेड बनाकर इसके जो इसकी दोस्तों ये स्टिक लगती है, जैसे कि गन्ने के अंदर लगते हैं उसी प्रकार इसी के ग्रास के अंदर भी स्टिक लगती है। तो आप इसको तीन बाई तीन फीट के जो मेड बनाकर आप इसके ऊपर लगाएं। अब हम बात करेंगे इसकी सीड के बारे में या स्टिक के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो स्टिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं गन्ने के समान ही होगा, और जिसके ऊपर लगभग 2 या 3 आँखें या होगी या नोड होंगे, जिसके अंदर के फुटान होगी। दोस्तों, ये अलग अलग होता है, सुपर नेपियर ग्रास के अंदर अलग होता है, स्मार्ट नेपियर ग्रास के अंदर अलग होता है। सुपर नेपियर ग्रास के अंदर क्या है, जो आप अपने एक स्टिक लगा रहे हैं उसे लगभग 7 से 8 या 10 कल्ले फूटेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो स्मार्ट नेपियर ग्रास है उसके अंदर दोस्तों, जो एक स्टिक से है उसे आपको 50 से 60 कल्ले नॉर्मल जो उसके फुटान होती है, और कई बार इसी के अंदर क्या होता है 100 से ऊपर भी एक स्टिक से फुटान होती है। इसलिए जो स्मार्ट है स्मार्ट नेपियर ग्रास है उसके अंदर हम जो दूरी है वो 3x3 रखते हैं, ताकि जिसकी फैलाव है वो अच्छा हो उसके। अब हम बात करेंगे भी 1 हेक्टर के अंदर हम कितनी स्टिक लगाते हैं। तो दोस्तों, एक एकड़ के अंदर, तो 1 एकड़ के हम दोस्तों लगभग 7500 स्टिक है वो 1 एकड़ के अंदर नेपियर ग्रास की लगाते हैं, और जो इससे हमें 1 एकड़ से उपज या प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वो होता है लगभग 70 से 80 टन प्रति साल, इससे जो हमें प्रोडक्शन है वो मिलता है। दूसरी बात, जो इसकी जो पहली कटाई है दोस्तों, वो आप 55 से 60 दिन के बाद कर सकते हैं, और इसको साल के अंदर है वो 6 से 8 कटिंग आसानी से हो जाती है, यानी ये पूरे साल जो है चारा वो चलता रहता है बिना किसी दोबारा मतलब बुआई के। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखें, जब आप कटिंग करें तो कटिंग करने के बाद इसके अंदर आप प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 kg जो यूरिया है वो इसका छिड़काव करें, ताकि इसके अंदर जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो बहुत तेज़ी से हो। और इसके अंदर जो अब प्रोटीन की बात थी वो भी होगी। तो दोस्तों, इसे आप किसी भी ज़मीन के ऊपर लगा सकते हैं, यानी ये क्या है, भारत के सभी राज्यों के अंदर ये होता है, और ख़ासकर जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, इन जिलों के अंदर जो है ये जो नेपियर ग्रास की खेती है वो इस टाइम के अंदर काफ़ी प्रचलित है। और राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो बकरी पालन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और बकरी के लिए जो ये है वो चारा है बहुत अच्छा साबित हुआ है। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।